नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। किसानों की फसलें इस समय पककर खेत में बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, लेकिन इस बार आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जनपद के अलग अलग हिस्सों से प्रतिदिन आगजनी से फसलों के नुकसान की खबरें प्रकाश में आ रही हैं। इसी क्रम में आज महरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम सलाबन में दोपहर के समय अज्ञात कारणों के चलते एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते यह आग तेजी से फैलने लगी और आसपास खेतों में काम करने वाले किसान उस ओर आग बुझाने के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने एकजुट प्रयासों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। इसकी सूचना तहसीलदार महरौनी और दमकल कर्मियों को दी गई और जब तक मौके पर दमकल वाहन पहुंचता, तब तक काफ़ी कुछ नुकसान इस आगजनी में हो गया था। बताया जा रहा है कि लगभग 10 एकड़ कृषि क्षेत्र की जो खड़ी फसल थी, वह आग की चपेट में आकर स्वाहा हो गई है और संबंधित किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गौरतलब यह भी है कि महरौनी में गर्मी के मौसम के लिए अस्थायी रूप से जो दमकल वाहन की व्यवस्था की गई है, वह अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा है और जब कोई बड़ा ऐसा हादसा होता है, ऐसी घटना होती है, तो वो नाकाफी प्रयास रहते हैं। और जब तक बड़ा वाहन दमकल वाहन जनपद मुख्यालय से आता है, तब तक काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने ऐसी मांग की है कि तहसील मुख्यालय महरौनी पर एक बड़ा दमकल वाहन रखा जाए, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थितियों में तत्काल मदद मिल सके और किसानों का नुकसान कम हो पाए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारा नाम रामराजा है। हमारे खेत में आग लगी थी भैया, हम लोगों ने फोन लगाया, जब यहाँ से बड़ी मुश्किल से गाँव के सभी लोगों ने दौड़ के हम लोग हमारी मदद की। किस कारण से लगी? अब पता नहीं कैसे लगी भाई, ये पता नहीं है कैसे लगा दी, किसने किसने लगाई। लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हो गया हजारों लाखों का। एक दो खेत पूरी तरह से जल गए भाई, छह सात। और यहाँ पे गांव के लोगों ने सभी ने आके सहयोग किया, तभी मतलब कंट्रोल हो पाए। अच्छा, ये क्या आग बुझाने से हुआ है? हाँ, आग बुझाने से झगड़े गले, आग लग गई, बढ़ गए, झुलस गए हैं। किस कारण से लगी प्रधान जी? आग लगने का कोई पता नहीं है, किसी ने बीड़ी पी या अगरबत्ती या कोई ऐसी चीज लगा दी। कितने एकड़ का नुकसान हुआ? कब करीबन 5-6 एकड़ का नुकसान तो हो ही गया है, एक गुलखाई धोबी का। हाँ। किन किन किसान होगा? गुलखाई धोबी का कहना हेमराज कृपाराम ब्रजभान, चार लोगों की नुकसान हुआ है। और कुछ और क्या, गांव वालों ने बुझा ली, तब ये मशीन आई। मशीन को फोन लगाया कि? फोन लगाया, तहसीलदार को भी सूचना की। मौके पे पहुंची कि नहीं? मशीन तो आ गई, लेकिन जब गांव वालों ने बुझा लिया तब आई। अच्छा।